आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। मानसून की पहली बारिश में जज्जी बस स्टैंड बना तालाब। आपको बता दें कि जज्जी बस स्टैंड बरसात के पूरे मौसम में एक तालाब सा नजर आता है। यहाँ पर पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण जब यहाँ पर बसें आती हैं तो यात्रियों को भरे हुए पानी में ही उतरना पड़ता है। अभी कुछ दिन पूर्व हुए अमृत योजना के अंतर्गत चलने वाले बसों के शुभारंभ के अवसर पर जिला कलेक्टर ने यह कहा था कि यहाँ पर ऐसी व्यवस्था कराई जाए कि यहाँ पर बरसात का पानी बिल्कुल भी न रुके, जिसके कारण यात्रियों को कोई असुविधा न हो। लेकिन लगता है कि नगर पालिका ने कलेक्टर महोदय की बात को अनदेखा कर दिया है। पानी भैया क्या है, पानी का निकास नहीं है तो पानी भरा जाता है। तो आपकी पूरी दुकानें मतलब पानी से पैक हो गई? हाँ, काफ़ी परेशानी होती है। जिसमें आपका नुकसान भी होता होगा? काफ़ी नुकसान होता है, सामान का नुकसान। जैसे आज पहली बारिश हुई उसमें आपका कितना नुकसान हो गया करीबन? हाँ, हो जाता है 200-500 रुपये का नुकसान हो ही जाता है। मतलब जो कच्ची चीज़ें होती हैं पूरी ख़राब हो जाती है? नुकसान हो जाता है, पानी भरा जाता है, ग्राहक वगैरह आ नहीं पाते। अच्छा, और आपका सामान भी ख़राब हुआ है? हाँ, नुकसान हो जाता है, पाउच पुड़िया वगैरह का नुकसान हो जाता है। तो मतलब करीबन कितनी देर की बारिश में इतना नुकसान हो गया आपका? ये 15-20 मिनट आधे घंटे की बारिश थी होगी। तो मतलब पूरे जज्जी बस स्टैंड में कोई निकासी नहीं है क्या? निकास नहीं है, पानी का भी निकास नहीं है क्या? अच्छा, हाँ, कई बार आवेदन भी तो मतलब ये पानी मतलब भर जाता है पूरे बस स्टैंड में, भर जाता है तालाब की तरह? हाँ, भर जाता है। अभी हमने क्या इसके लिए आवेदन भी दिया था, कोई सुनवाई नहीं हुई। पिछले 10 दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे ऑल इंडिया डीएसए छात्र संघ द्वारा आज महाविद्यालय के बाहर मानव श्रृंखला बनाकर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि गुना जिले के एकमात्र विधि महाविद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी गई है। इसी के विरोध में ऑल इंडिया डीएसए द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्र संगठन ऑल इंडिया डीएसओ के द्वारा काफ़ी 10 दिनों से लगातार एक आंदोलन चलाया जा रहा है। क्योंकि पूरे शहर को पता है कि गुना जिले में एक विधि महाविद्यालय है, जिसकी मान्यता पिछले सत्र में भी चली गई थी और इस सत्र में भी इसकी मान्यता को जीवाजी यूनिवर्सिटी ने रद्द कर दिया है। इसके खिलाफ में ऑल इंडिया डीएसओ के द्वारा लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं, धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं, रैलियाँ निकाली जा रही हैं। शहर में एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया है, जिसमें शहर के गणमान्य नागरिकों ने भी अपील की है कि विधि कॉलेज की मान्यता को रद्द ना किया जाए। आज उसी क्रम में कॉलेज के बाहर यहाँ पर सभी छात्रों ने मिलकर एक स्टूडेंट चयन का आयोजन किया है और हम लोग यह बताना चाहते हैं कि ये जो विधि महाविद्यालय की मान्यता गई है ये इल्लीगल तौर पर गई है, क्योंकि मान्यता देता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया लेकिन मान्यता निरस्त की है जीवाजी यूनिवर्सिटी ने। तो यहाँ पर लगातार हम लोग आंदोलन चला के प्रयास कर रहे हैं कि पुनः जो छात्र LLB करना चाहते हैं, फर्स्ट ईयर में 100 बच्चों ने एडमिशन के लिए अप्लाई किया है लेकिन उन छात्रों को एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। तो हम लोग अपील कर रहे हैं, यहाँ पर आंदोलन चला रहे हैं कि विधि महाविद्यालय की मान्यता को दोबारा से लाया जाए और तुरंत जो इच्छुक छात्र हैं उन छात्रों के लिए एडमिशन दिया जाए। इस मांग को लेकर आज यहाँ पर स्टूडेंट चैनल बनाई।
ग्वालियर के दो अधिवक्ताओं के साथ हुई मारपीट के विरोध में कल गुना के अधिवक्ताओं ने अपना काम बंद रखा। वहीं आज जिला न्यायालय के अधिवक्ताओं ने अपने बाजू पर लाल पट्टी बांधकर सांकेतिक रूप से विरोध प्रदर्शन भी किया। कहीं जाना है क्या? चले आओ, आप चले आओ। ये जो ग्वालियर के अभिभाषक संघ के अध्यक्ष के साथ जो जबलपुर से लौटते समय जो रास्ते में मालथौन के पास जो मारपीट और झगड़े की जो घटना हुई और उन अभियुक्तगण को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका, इसके विरोध में कल और परसों न्यायालयीन कार्य से व्रत रहे पूरे मध्य प्रदेश के अभिभाषकगण और अब विरोध स्वरूप ये लाल पट्टी लगाकर सांकेतिक हड़ताल। युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हुई पुलिस बर्बरता के खिलाफ आज युवक कांग्रेस द्वारा हनुमान चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी एवं अमित शाह का पुतला भी जलाया गया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में युवक कांग्रेस द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस के द्वारा की गई बर्बरता के खिलाफ आज यह पुतला दहन किया गया। इस मौके पर युवक कांग्रेस के समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज जो पुतला दहन किया गया है वो कल हमारे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव चंद यादव जी और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता अमित शाह के 750 करोड़ के घोटाले के जो आरोप अमित शाह पे लगे हैं उनके विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। और उस प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हमारे अध्यक्ष केशव चंद यादव जी और सैकड़ों कार्यकर्ताओं पर की गई है, उसके विरोध में हमने आज यहाँ पर लाठीचार्ज पुतला दहन और मोदी सरकार दोनों का किया है। सदगुरु कबीर साहेब सत्संग समिति मकसूदनगढ़ द्वारा सदगुरु कबीर साहेब प्रकट महोत्सव मंडी प्रांगण में रखा गया। इस उत्सव में आसपास के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस उत्सव का जुलूस मकसूदनगढ़ रेस्ट हाउस से सदर बाजार होते हुए मंडी ग्राउंड पहुंचा। जुलूस में बड़ी संख्या में आसपास के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मकसूदनगढ़ से हमारे सहयोगी टोनी शाह की रिपोर्ट। म्याना निवासियों द्वारा अधूरी पड़ी सड़क को लेकर आज म्याना थाने पहुंचकर थाना प्रभारी को दिया गया ज्ञापन। वहां के निवासियों का कहना है कि ठेकेदार द्वारा सड़क को अधूरी बनाकर छोड़ दिया गया है। जब इस बारे में ठेकेदार से बात की गई तो ठेकेदार का कहना था कि पानी की कमी है, लेकिन लोगों का कहना है कि पानी की कोई कमी नहीं है। इस सड़क के न बनने से सड़क पर आए दिन कई एक्सीडेंट होते रहते हैं। म्याना निवासियों की मांग है कि इस सड़क को जल्द से जल्द बनवाया जाए जिससे कि यहाँ के निवासियों को परेशानी से छुटकारा मिल सके। म्याना की काफी समस्या है जिनमें की रोड की समस्या प्रमुख है जो कि म्याना नई सना किराए से लेकर चौराहे तक गई है। यह रोड काफी समय
इसकी काफ़ी समय हो गया, इसकी अभी पूर्ण हो चुकी है, बनाने की ठेकेदार इसको छोड़कर भाग गया है। बहाना उसका है कि पानी की कमी है, लेकिन पानी की ऐसी कोई कमी नहीं है, पानी उपलब्ध है, लेकिन काम वो शुरू नहीं कर रहे हैं। ये काम रोड का जल्द से जल्द शुरू करवाना चाहते हैं, इसलिए ज्ञापन दिया गया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहा है, यातायात बाधित हो रहा है, लोग वाग फिसल कर गिर रहे हैं, बारिश वैसे आ चुकी है, और भी म्याना में कई समस्याएं हैं, चाहे वो स्टेडियम का निर्माण रहा हो, रेलवे की पुलिया रही हो, कई समस्याएं हैं। म्याना कस्बा स्तर का बहुत बड़ा, गुना जिले की सबसे बड़ी पंचायत है, लेकिन प्रशासन का ध्यान इसकी ओर नहीं है। हम ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं, अगर इस रोड की समस्या का जल्द से जल्द समाधान नहीं किया गया। प्रशासन के नाम माननीय थाना प्रभारी महोदय जी को ज्ञापन सौंपा है। हमारी ज्वलंत जो मांग है वो म्याना की अधूरी सड़क है। इस रोड पर प्रतिदिन 5 से 6 एक्सीडेंट होते हैं, और ये कोई साधारण रोड है नहीं, ये दो जिलों को और दो प्रदेशों को जोड़ने वाली रोड है। ललितपुर और यूपी तक का यातायात इससे गुजरता है, और जो इस रोड का ठेका जिनके पास है वो ठेकेदार साहब जिस दिन से काम बंद करके गए हैं और लौटे ही नहीं। चूँकि ये रोड 1 अरब रुपए की स्वीकृति से माननीय हमारे सांसद श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने स्वीकृत कराई थी, इसीलिए शायद प्रदेश सरकार इससे भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रही है और भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है। इसलिए हमारा विरोध प्रदर्शन आज समस्त ग्रामवासियों का था, जिससे ये रोड सुचारू रूप से इसका काम चल रहा है। ग्रामवासियों के द्वारा आज थाने पर आकर म्याना की जो अधूरी सड़क पड़ी हुई है उसकी समस्या के संबंध में एक ज्ञापन दिया गया है, जो कलेक्टर साहब के नाम से है। उनको मैं यहाँ से अपनी तरफ से अनुशंसा करते हुए और सड़क का जल्द से जल्द निर्माण हो ऐसी अनुशंसा के साथ प्रेषित कर दूंगा, और मैं प्रशासन से आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द ये समस्या का समाधान हो। इसी प्रकार रेलवे अंडरब्रिज में भी पानी भर जाता है बारिश में, उसका भी स्थायी समाधान होना चाहिए, ऐसी समस्या का इसमें उल्लेख है। उसके बारे में भी रेलवे के अधिकारियों को पत्र लिखकर इस समस्या समाधान के लिए लिखा जाए। प्रसूति वार्ड में किया गया हंगामा। कुशलपुर से आई एक प्रसूता के परिजनों द्वारा आज प्रसूति वार्ड में किया गया हंगामा। महिला के परिजनों का कहना है कि डॉक्टर द्वारा ये बोला गया था कि महिला के ऑपरेशन के लिए खून की आवश्यकता लगेगी, आप खून का इंतजाम कर लो। जब परिजन खून लेकर पहुंचे थे डॉक्टर द्वारा कहा गया कि अभी मेरी तबीयत खराब है, इसलिए आप अभी मैं ऑपरेशन नहीं कर सकती, इसे आप बाहर ले जाएं। इसी से नाराज होकर महिला के परिजनों ने प्रसूति वार्ड में हंगामा किया। आपको क्या दर्द हो रहा है? ऑपरेशन आप कहीं भी चले जाओ, नहीं करूँगी आप, और क्या मेरी बच के नहीं है? मैंने कहा आपकी बच के नहीं है तो कम से कम आप दूसरे मैडम को बता, दूसरे डॉक्टर की क्या हालत है। जैसे हम हमारी बगबुल आए ना, तो उन्होंने हमने बताया, उन्होंने कहा कि बच्चा उल्टा है, तो हम उन्होंने कहा ऑपरेशन होगा, 2 बोतल खून मंगवा लो, खून की कमी है। हमने 2 बोतल खून मंगवा लिया। मंगवाने के बाद उन्होंने बोला कि आप थोड़ी देर बाद आना, तो हम थोड़ी देर बाद आए तो फिर कहने लग गई कि मेरी बच्ची नहीं, मेरी तबीयत खराब है, अभी हम नहीं करेंगे, आप फिर करना। कौन कहने लगा? कौन कहने लगा? ये मैडम बोलने लगी, आवा शर्मा। तो मैंने कहा आपको अभी ऑपरेशन नहीं करना थी, तो कम से कम आपको दर्द का इंजेक्शन नहीं लगाना थी, आपने सुबह दर्द का इंजेक्शन दे दिया, और हमारी महिला है इतनी जमकर तड़प रही, अगर उसकी डेड हो गई मान के चलो, मरने की कगार पे अगर ऑपरेशन नहीं करेगी, मेरी बच्ची नहीं है, आप किसी के भी पास जाओ, कलेक्टर के पास जाओ, मुख्यमंत्री के पास जाओ, मुझे नहीं करना तो नहीं करना है, आप ग्वालियर ले जाओ, प्राइवेट में करा लो, अगर प्राइवेट की बच्ची होती तो हम यहाँ क्यों ला दें। क्या बोल रहे हैं जी? मेरा हाथ पैर दर्द हो रहा है, मेरा हाथ पैर दर्द हो रहा है, मेरी बच्ची नहीं है, आप किसी डॉक्टर के पास चले जाओ। महिला का नाम क्या है तुम्हारी बहू का? मोंटी गोड़िया। मोंटी कितने साल की है? आज गौरक्षा मंच द्वारा विद्युत विभाग के अधिकारियों को दिया गया ज्ञापन। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि गुना शहर के जिन बिजली के खम्भों में करंट आ रहा है उन्हें सही किया जाए, जिससे कि गायों को लगने वाले करंट से सुरक्षा मिल सके। वहीं गौरक्षा मंच द्वारा धमकी भरे शब्दों में कहा गया कि अगर आने वाले 2-3 दिनों में विद्युत मंडल व्यवस्था ठीक नहीं करता तो हम अपने लोगों को खुली छूट दे देंगे।
सामने आ जाओ। एक ही चीज का निवेदन था कि थोड़ा आप अपना ध्यान देते हुए और ये सारी समस्याओं को गौ माताओं को बचाते हुए और शासन ने थोड़ा सा प्रयास किया गायों के विषय में दिया है, जो खम्भों में करंट फैल रहा है सारे जिलों में, इससे जगह जगह समस्या आ रही है, डेली की समस्या है, काफ़ी दिन से चल रही है। अभी बीच में हड्डी मिल पे भी हुई थी ये घटना, और अपने बूढ़े बालाई क्षेत्र में भी हुई, पुलिस लाइन में भी हुई, तो ये ज़्यादा समस्या आ रही है। अगर यहाँ ये सुनवाई नहीं करते हैं तो उसके बाद आगे के लिए अपनी प्रक्रिया चाहिए, यहाँ अगर सुनते हैं तो ठीक है, नहीं हम आगे के लिए आवेदन देंगे, और ज़्यादा आवेदन से भी नहीं सुनेंगे फिर हमारे बंदे को छूट दे देंगे, हम जो भी है सब छूट दे देंगे, फिर इनका शिकायत हम सुनेंगे नहीं कि ये कहेंगे कि आपके बंदे क्या कर रहे हैं, आगे के लिए हम वो भी कार्रवाई करेंगे, फिर सारे बंदों को छूट दे देंगे, दिन इनका रहेगा तो रात हमारी रहेगी, हम सारी बिजली को तोड़वा देंगे। इस चीज़ का हमारा विशेष ध्यान है, अभी हम चाह रहे हैं प्रेम से जो होता है तो वो ठीक है, प्रेम से अगर नहीं मानते हैं तो उसके बाद हमारे स्तर से हम काम करेंगे। बच्चों से करवाया जा रहा है मजदूरी का काम। ग्राम मुड़रा हनुमान में प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों से ईंटें उठवाई जा रही हैं, साथ ही बच्चों से स्कूल में साफ सफाई भी करवाई जाती है। इस बारे में जब सरपंच ने ऑब्जेक्शन उठाया तब जाके उन बच्चों से काम बंद कराया गया। वहीं हमारा कैमरा देखकर बच्चों को कक्षा में वापस भिजवा दिया गया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चों से ईंटें उठवाई जा रही हैं। ग्राम के ही सरपंच रंगलाल ने हमें बताया कि प्राचार्य बच्चों से ईंटें उठवा रहा है, साथ ही शाला में साफ सफाई भी करवाई जाती है। इस बारे में प्राचार्य महोदय कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुई। क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या क्या हो रहा है? टीशर्ट डलवाने, चार लड़के टीशर्ट हो रहे हैं और चार लड़के तो सफाई कर रहे हैं, ये बोलती हैं। और का, ये किसने बोला आपको? मैडम ने। मैडम ने बोला, क्या नाम है मैडम का? प्रिंसिपल है क्या? और क्या, प्रिंसिपल है। अल्फाबेट माने शब्द अक्षर और क्या बोल रहे हैं, हम कुछ कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, मॉनिटरिंग में ये बोला है, कुछ भी कर सकते हैं। कहाँ कहाँ ईंटें ले गए बताइए। वो ईंटें वो भी रखी हैं, वो रखवा रहेगा। तो ये बच्चों से रखवा रहे हैं? बच्चों का रखवा रहे हैं। ये रखी है वो नई ईंटें, ये रखी है। अभी आया ना घर से, अभी देखने ली चली, अभी तक आवाज़। तो आप देख सकते हैं सर, यहाँ पे टीचर लोग बच्चों से स्कूल का काम करा रहे हैं और ईंटें ढुलवा रहे हैं। हाँ मैडम, वही आप देखे नहीं क्या मामूली क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं सीमेंट हो रहा है, अभी तक आ रही है, कल सफाई भी ढुलवाएंगे, कल सीमेंट भी ढुलवाएंगे। तो ये यहाँ पे, यहाँ से उठवा के कहाँ पे रखती हैं? जहाँ से उठवा के अंदर उस कमरे में रखवानी। अब मुझे बनाना टंकी का पानी की पीने के लिए, तीन दिन से ईंटा पड़ी है, तीन दिन एक ईंट नहीं हो रहा है किसी ने। अब 11 बज रहा टाइम, देखिए कितना बज रहा, और बोल रहे लंच हो गया, लंच हो गया तो बढ़िया है, ईंट नहीं लेगा उठा के, और जो सरकारी कर्मचारी मेरी ईंटें भरवा रहा है, ऊपर से बोलते हमारा उसमें पड़ा बाउंड्री, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, और क्या। तो ये मध्याह्न भोजन का क्या है, अभी ये बंद क्यों है? ये बंद मैडम बताएंगे, अब इनको है जानकारी, तो वो तो बात करने ही तैयार नहीं है मैडम। तो आप देख सकते हैं सर, यहाँ पे मध्याह्न भोजन भी बंद किया जा रहा है। अंदर क्यों रखा है उसमें कमरे में, क्यों रखा है? यहाँ पे बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, कोई नहीं किताब नहीं बांट रही, आप तो मुझे डलवा है कुछ सौ। तो बताओ कौन से बच्चे किताब बांटी है, आपने डलवा है तब मुझे। सब लड़के डांट रहे, क्यों आने निकल रहा
डांट लो, कब तक डांटेंगे? पूरे बच्चों को डांट दिया है, पूरे इनको डांट दिया, एक भी निकलना बाहर। पूरे बच्चे आठ बच्चे इरिटेट हो रहे थे, पूरे चार बच्चे उसमें सफाई कर रहे थे, ऊपर से डांट दिए कि एक भी नहीं निकलना। क्यों नहीं निकलना? डर के मारे नहीं निकलेंगे बच्चे, क्यों नहीं? झागड़ से हमारे सहयोगी जालम सिंह किरार की रिपोर्ट। डीजीआना न्यूज में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।